शिवपुरी मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के कई दावे करती है, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की ये तस्वीरें कुछ और हकीकत बयां कर रही है। यहां प्राथमिक शाला के बच्चे स्कूल भवन के चबूतरे पर बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि भवन की हालत काफी जर्जर है। ये कभी भी गिर सकता है, इसलिए शिक्षक बच्चों को मैदान में या स्कूल के चबूतरे पर बैठा कर पढ़ाना मुनासिब समझते हैं। ये हालत शिवपुरी जिले के भांगड़ गांव के सरकारी स्कूल की है। स्कूल का भवन पिछले करीब 5-6 वर्ष से जर्जर अवस्था में, बिल्डिंग की दीवारों में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। वहीं कमरों की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। स्कूल के अंदर जान का खतरा होने के कारण शिक्षकों ने स्कूल को खुले आसमान के नीचे संचालित करना शुरू कर दिया है। हाल यह है कि पिछले 5-6 वर्ष से सर्दी गर्मी और बारिश के दिनों में भी बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ाई करना पड़ती है। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो आपके जो विद्यालय है जो भानगढ़ में प्राइमरी, उसकी जो हालत डली हुई है, तो ये कब से क्या हालत है? ये 7-8 साल हो गई साहब, कोई आते हैं अधिकारी देख कर मगे आते हैं, कोई चीज हुई नहीं है। वो मुड़ मुड़ी दूरी करने का लग गई, मुड़ में कपार में वो तो टपक रही है, वो तो कहूँ मच जाएंगे तब सरकार सुनेगी, तो ना कोई नहीं सुन रहा। राहुल जी, भानगढ़ के ही हो? तो आपके जो विद्यालय है भानगढ़ प्राइमरी, इसकी जो हालत डली हुई है, ये कब से क्या हालत है? ये हमारे स्कूल की 5-6 साल से यही हालत है, और ना अधिकारी आते हैं सुनकर भाग जाते हैं, और स्कूल मतलब वैसा ही डला है, ना उसमें झाड़ू लगता ना कुछ होता, और लड़के बाहर बैठते हैं, ना उसमें प्लस्तर नहीं करवा रहे, ना उसकी छत छत बिल्कुल मतलब वो तो खत्म ही है पूरी, तो गिर जाते हैं ना सही छत तो। तो बच्चे वगैरह का बाहर ही बैठ के पढ़ते हैं? बाहर बैठते हैं गाँव में। भाई जाते हैं कि नहीं जा रहे ये पता नहीं है सर। के राम स्वरूप दागर। तो इस गाँव के ही हो आप? गांव के बिल्कुल प्रॉपर। तो आपके जो भानगढ़ प्राइमरी जो विद्यालय है, उसकी जर्जर हालत में है, ये कब से डली हुई है? बिल्डिंग 4 साल से डली है। ऐसी तो आप लोगों ने कभी कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी या कोई किसी से बताया नहीं है कभी? अभी बताया, देख जाते चले जाते हैं, और कुछ अंतर नहीं आया अभी। और बच्चे वगैरह कैसे पढ़ते होंगे फिर वहाँ? अरे काय पढ़े, वो तो रह जाए चबूतरा पे, स्कूल लग रहा है। अच्छा, अभी तो चलो ठंड चल रही है, तो बच्चे बैठे, फिर जैसे बरसात आई, बरसात में क्या व्यवस्था? बरसात में क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं, रह रहे हो और क्या व्यवस्था है। अब आपकी क्या मांग है सरकार से और प्रशासन से? मांग ये स्कूल की जो है, बाकी ये बिल्डिंग बनवानी तो दुरुस्ती करे, कुछ ना कुछ तो करे ना। प्राथमिक विद्यालय भानगढ़ है, वहाँ की बिल्डिंग जर्जर हालत में डली हुई है, और बच्चे चौतरे पर बैठ के पढ़ते हैं, और उन्होंने ग्रामीणों ने शिकायत की है कि शिक्षा भाई, आपका शिक्षा विभाग की ओर से आपका क्या कुछ कहना है इस पर? अतिवृष्टि के कारण गत वर्ष जो बिल्डिंगें जर्जर हालत में हो गई थी, उन सभी के प्रस्ताव हमने BRCC कार्यालय के माध्यम से वहाँ पदस्थ सभी इंजीनियरों से सर्वे कराकर मरम्मत के लिए प्रतिवेदन भेज दिया था, लेकिन अभी तक कोई मरम्मत स्वीकृत होके नहीं आई है। हमें बिल्कुल उसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कौन कौन सी बिल्डिंगों की मरम्मत राशि स्वीकृत हो चुकी है। BRCC अधिकृत है, और BRCC के माध्यम से उसके विशेष जानकारी मिल सकती है। हमने पूरे ब्लॉक की बिल्डिंग में जो जर्जर थी, उन सभी के प्रस्ताव दे दिए थे किन किन कक्षों की मरम्मत होनी है, लेकिन कोई मरम्मत राशि नहीं आई, ना कोई पत्र जानकारी स्वीकृत होके आई। भानगढ़ स्कूल की तरह कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग एजेंसी ने प्राथमिक विद्यालय चक दौरानी, वहाँ बिल्डिंग 10 साल पूर्व जमीन दोज हो चुकी है, बच्चे आज भी खुले मैदान में जमीन पर पढ़ रहे हैं, उसका भी प्रस्ताव हमने बनाकर BRCC के माध्यम से भिजवा दिया था, लेकिन आज तक बिल्डिंग स्वीकृत होकर नहीं आई।